मैंने शुरुआत की कुछ बड़ा करने की, फिर कुछ लोग मुझे रोकने के लिए आए। उनमें से कुछ मेरे फैमिली से थे और कुछ मेरे फ्रेंड्स। मेरा हमेशा एक ही चीज़ पे फोकस रहता था कि मैं उन्हें क्या जवाब दूँ जो मुझे रोकने आते हैं। लेकिन मैं आज तक समझ नहीं पाया कि मुझे मेरी खुद से ज़्यादा और कोई नहीं रोक रहा है। मैं खुद ही अपने आप को रोक रहा हूँ। ये जो मेरा दिमाग है, ये जो मेरा डर है, ये जो मेरा आलस है, ये जो मेरा टांगने की दिमाग है, ये मुझे रोक रहा और कोई नहीं रोक। इस दुनिया में दो ही चीज होता है जो इंसान को बड़ा करने में रोकता है। वो एक है कि बाहर की आवाज़, जो लोगों की आवाज़, और एक खुद का आवाज़। जब आप खुद डर रहे हो, खुद को मनाना पड़ता है कि मैं हाँ कर सकता हूँ। ये बात आपको खुद को मनाने की पड़ रहा है, मतलब दोहरा रहे हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अंदर में कर सकता हूँ। ये आपको मतलब याद दिलाती रहती है। भले ही आपको कोई आके समझाए कि ये गलत है, इसमें स्कोप नहीं है, इसमें बहुत सारा पैसा लगेगा, टाइम वेस्ट है, तो क्या उन लोगों को जवाब देंगे जो लोग आपको रोकने के आ रहे हैं? तो पहले क्या करना है, हमें पहले की आवाज़ को, पहले अंदर की आवाज़ को क्लियर करना है। भले कुछ भी हो, मैं यही करना है, ये तेरे बस की नहीं है वगैरह, तब भी मैं करूँगा, भले मुझे फेलियर फेस करना पड़े। फेलियर्स तो मैं फेस करूँगा ही, पर तब भी मैं करूँगा। जिस दिन आपके मन में ये फील आए कि फेलियर्स को भी फेस करना पड़ेगा, एक बार तो ट्राई ज़रूर करूँगा, जिस दिन ये एटीट्यूड आ जाए तो आप अनस्टॉपेबल हो। कहने के लिए तो आप फेलियर्स फेस कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आपकी लर्निंग से एक्चुअल में वो सक्सेस का ही पार्ट होता है। फेलियर सक्सेस का ही पार्ट होता है, सक्सेस का अपोजिट नहीं। इस एटीट्यूड के बाद अगर कोई आपको बोले कि तू ये नहीं कर सकता, तब आके कोई आपको बोलेगा ये बहुत ही डिफिकल्ट है तेरे लिए, ये तू कर नहीं पाएगा, तो उस समय आप डरोगे नहीं, तो उस वक्त आप कहोगे ये चीज़ मैं कर तो रहा हूँ सक्सेसफुल के लिए, लेकिन फेल भी होने की पूरी तैयारी करके चल रहा हूँ। लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए और सक्सेस पे पास, सक्सेस के पाथ में पहुँचने के लिए ही मैं कुछ कर रहा हूँ, और ये मेरा मानना है और ये मेरे दिल का कहना भी है, क्योंकि मैं ज़िंदगी के हर पल को जीना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ कि अगर मेरा काम मुझे इतना अच्छा लगता है कि अगर मैं फेल भी हो गया तो मुझे ये काम फिर से करने को मिलेगा। अब बोलो वो लोग क्या बोलेंगे जो तुम्हें रोकना चाहते थे। और दोस्तों, मेरी आखिरी लाइन ये रहेगी कि दिमाग बहुत ही चालाक होता है। जब तक बड़ी वजह नहीं होता ना, तब तक बड़ी एक्शन नहीं लेता, लेकिन अगर वजह बड़ी होती है तो इतने बड़े बड़े एक्शन लेने से मजबूर कर देता है हमारा दिमाग कि कोई उसके बारे में पढ़ता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाता है। और ये जो लाइन मैंने बोली है आखिर में, प्लीज़ इसको दिमाग में ज़रूर रखिएगा।